प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको और हमें मौका दिया कि एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना में शामिल हो सके, और बड़ी ही खुशी और आनंद के साथ एक बार फिर हम आपके सम्मुख हैं, आपके घरों में हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस महीने में हमें पहुंचाया, और प्रभु का हम धन्यवाद तहे दिल से इस बात के लिए भी करते हैं कि परमेश्वर के जन्म का महीना प्रारंभ हो चुका है। आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं, और परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें इस पूरे महीने। आप बड़े उत्साह के साथ प्रभु में आनंदित रहें, और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आपने हमें भला चंगा रखा, आपका धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य में आपने चंगाई दी, धन्यवाद प्रिय परमेश्वर। आपका अनुग्रह लगातार आपके लोगों के साथ बना रहा, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर, पारिवारिक सदस्यों को आपने संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं। सियोन प्रार्थना भवन की ओर से एक बार फिर से प्रभु जब हम एकत्र होकर के आपकी आराधना सियोन प्रार्थना भवन के पेज पर करते हैं, प्रभु जितने भी लोग आज इस सभा में शामिल होते हैं, प्रभु तमाम लोग बड़ी बरकत को हासिल करें। पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ गीतों भजनों को गाया जाना, आराधना करना प्रभु आपको स्वर्ग में पसंद आए। और प्रिय परमेश्वर, आज जब हम खुदावन आपके पवित्र कलाम से सीखें, तो प्रत्येक से परमेश्वर आप बातचीत करें। पिता परमेश्वर, हम सबों की मदद करिएगा, जब साजू को बजाया जाए, गीतों को गाया जाए, प्रभु आपका पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बश करे। प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, बुजुर्ग, बच्चों को प्रभु अपने हाथों में लें। पिता परमेश्वर, हम सब बातों के लिए आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। केवल और केवल आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे मध्य में होकर के कार्य करें। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बश करे। एक एक भाई, एक एक बहन को परमेश्वर ये बल दें, ये ताकत दें, ताकि परमेश्वर जब गीत भजन चले तो वो खुदावन पूरे रूह और पूरे सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने वाले हो जाएं। और गीतों के दौरान परमेश्वर, जो लोग जहां कहीं से भी बैठकर आराधना को ग्रहण करते हैं, आराधना को सुनते हैं, वो तालियां बजाकर प्रभु आपको परमेश्वर वो महिमा देने पाएं, आपको वो आदर देने पाएं। पिता हम धन्यवाद करते हैं सारी प्रार्थनाओं के लिए, सारी दुआओं के लिए। हम केवल और केवल आपके धन्यवादी हैं, केवल और केवल हम आपका स्तुति गान करते हैं, केवल और केवल आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने लोगों को सृजा और बनाया। और परमेश्वर आपने ये खुदावन आप हमसे ये चाहते हैं कि हम लगातार प्रभु आपकी स्तुति करते रहें, आपकी आराधना करते रहें, क्योंकि आपने मनुष्य को सृजा ही इसलिए है कि वो आपकी आराधना करते रहें, आपकी प्रार्थनाओं में लगातार आपके वचनों में आपके राहों पर चलते रहें। पिता परमेश्वर, प्रभु हमें ऐसा बल दें, ऐसी आत्मा दें, ताकि परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपकी बताई गई रास्तों पे, आपके बताए गए मार्गों पर हम चल सके। पिता, क्योंकि आपका पवित्र कलाम हमें इस रीति से बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं आप हमें ऐसा फजल दें कि हम आपके मार्गों पर चल सकें, आपकी राहों पर चल सकें। पिता हमारी मदद करें, सहायता करें, अगुवाई करें, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुशी के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की आराधना के लिए हम एकत्र हो चुके हैं, और सियोन प्रार्थना भवन की ओर से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और प्रभु की आराधना इस भजन के द्वारा हम करेंगे। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, परमेश्वर आपको इसके बदले बड़ी आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं, तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। मेरे खुदा, मेरे
तेरी राह पर चलकार हो मेरे स्तुति हो।
परमेश्वर की आराधना हम इस रीति से करते रहेंगे। अगला भजन हमारे बीच में सिस्टर परवीन जी हैं, उनके साथ मिलकर हम गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आइए असीं प्रभु की महिमा के वास्ते भजन गाने हैं, क्योंकि सानू सारिया नू पता है कि हुण क्रिसमस का महीना शुरू हो गया। साडे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, राजाओं के राजा का जन्मदिन है, तो असी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का ही गीत गावांगे। हालेलुया, हालेलुया। जन्म दिहाड़ाया साडे यीशु अब
यू जीसस हालेलुया। उम्मीद करते हैं कि आपको घरों में क्रिसमस के वो दिन याद आ गए होंगे जब आप मिल करके प्रभु की आराधना करते थे। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दें, बड़ी बरकत दें। मिलकर एक और भजन को गाएं और प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। यहोवा मेरे तेरे वरगा नहीं कोई जमाने दे। यहोवा मेरे तेरे वरगा नहीं कोई जमाने दे। तेरी ही रहम दे सदका असी जों दे दे हाँ जों दे ते बस दे हाँ यहो
बंद करेंगे कुछ समय के लिए, हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद का समय आराधना टीम के पास होगा और एक और भजन को गाकर प्रभु की हम स्तुति इसी रीति से करते रहेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। भाई रवि हैं सियोन प्रार्थना भवन में, वो आगे आए और मिल करके भाई के साथ हम दुआ करेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, आगे भी संभाले। पवित्र आत्मा इस जगह पर जुम्बश करे, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं वो आशीष को प्राप्त करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ में जाएंगे। खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया, आप तक संभाल रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता वर्षी टीम को अपने हाथों में लेकर चला, आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद, जितनी भी वर्षी की जाए खुदावंद सबके द्वारा खुदावंद यस्सु का नाम महिमा भाई पिता परमेश्वर, सब बातों में खुदावंद यस्सु का नाम जलाल भाई पिता, आगे सारा समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। दुआ को खुदावंद यस्सु के नाम मांगते पिता, आमीन।
समय है कि एक गवाही को हम सुनकर चलेंगे। एक बहन है हमारे बीच में, प्रभु ने उनके जीवन में जो कार्य किया वो आपसे बताएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें, इस गवाही को बड़े ध्यान से सुने। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सारे नु जय मसीह। मैं विनीता बोल रही हूँ, मैं जोधेवाल बस्ती से हूँ और परमेश्वर ने आज तक संभाला, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सचमुच महान सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा खुदावन है। मेरा घराना नहीं जानता, प्रभु मुझे चुन लिया है। मैंने नहीं चुना बल्कि प्रभु ने मुझे चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो पहले लॉकडाउन लगा था तो मेरे बेटे की गवाही है, मेरे बेटे का नाम सत्यम है। उसके तीन तीन प्रॉब्लम थी, पर मैंने बड़े विश्वास के साथ अपने हस्बैंड को यहाँ पर भेजा था बेटे को लेके। मैं क्या पास्टर से पूछ के हो, जब उन्होंने आया तो पास्टर ने बताया कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। पर परमेश्वर के दास ने बताया तो था, पर मैं फिर भी मैंने दवाई लिया और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, वो एक्सरा करवाया, तो उसमें कुछ नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी, फिर भी बच्चों के तसल्ली के लिए मैं दवाई लिया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर मैंने खुदावन के दासों से प्रार्थना करवाते रहे और चर्च में करवाते रहे, परमेश्वर ने सचमुच खुदावन कोई गलती कोई प्रॉब्लम आज खत्म हो चुकी है। मैं कहते हैं प्रभु सचमुच जिंदा खुदावन है और सब कार्य करने वाला परमेश्वर है। और मैं दूसरी गवाही देना चाहती हूँ। जब इसी दूसरे महीने में, जब जो महीना बीत गया उसमें मेरे हस्बैंड के लॉकडाउन में काम छूट गया था, परमेश्वर के दास ने बोला था कि यहाँ पर पर्ची दे दो और काम दुआ होगी, काम मिल जाएगा। मैं बड़े विश्वास के साथ पर्ची दी, दूसरे हफ्ते में परमेश्वर मेरा रास्ता खोल दिया, काम मिल गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी दुआ को सुना और कबूल किया। सारी जलाल सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, आमीन। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर मैं दशमांश नहीं देती थी, तो परमेश्वर के दास ने बताया था कि यहाँ पर दशमांश आपका रुका हुआ है, आप दशमांश दोगे तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। सचमुच परमेश्वर के दास ने जो बताया था सही था, मैंने दिया तो परमेश्वर ने सचमुच चंगा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच खुदावन के दास जो बताते हैं सच है, झूठ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे सच था और परमेश्वर चंगा किया देने के बाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी जलाल सारी आदमी तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सबने हाथों उठाएं, कहें हालेलुया हालेलुया। एक बात बताएं, मिला ज्यादा है या दिया ज्यादा है, आपको मिला ज्यादा है या देते ज्यादा है? हालेलुया। गवाही में एक क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, चर्च को प्रभु को आपके पैसे की, हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो उसका वचन है उसे पूरा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो बहन ने अपने जीवन के लिए बताया कि वो क्यों परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हो सकता है लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रभु का जो दशमांश था, प्रभु का जो आज्ञा के अनुसार जो चीजें बनती हैं वो उन्होंने भवन में नहीं दिया, और ये आजमाइश बेशक आई उनके जीवन में, लेकिन प्रभु ने उनको चिताया, प्रभु ने उनको अपने दासों के जरिए ये बताया कि किस रीति से कहां पर आपके जीवन में कमी है। परमेश्वर ने उनसे बातचीत की और आज परमेश्वर में वो आशीषित हैं, तो सारा आदर महिमा वो परमेश्वर को देती हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस किया है तो आप अपने देने की क्षमता को बढ़ाएं, अपने जीवन में प्रभु को महत्व दें और आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद। एक और छोटा सा भजन गा करके प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। फूल खुशी के खिलने लगे हैं, आज फिदाए महक उठी है,
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.